छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य कर आबकारी विभाग के द्वारा आज रविवार को एक आदेश जारी हुआ है शराब दुकान के खोलने को लेकर के। और इसमें छत्तीसगढ़ सरकार अपनी प्राथमिकताएं बता दी है कि उनकी प्राथमिकता है कि शराब दुकान को खोलना, इसलिए मंडे का भी इंतजार नहीं किए बल्कि रविवार के दिन ही आदेश जारी किया गया। इस आदेश में बताया गया कि सवेरे 8 बजे से लेकर के शाम को शायद 7 बजे तक ये दुकान खुली रहेगी। साथ ही साथ इसमें एक बात जो कंडिका 4 में दी गई है, ये घोर आपत्तिजनक विषय है कि अब इस आदेश के तहत डिलीवरी बॉय की नियुक्ति होगी। वो डिलीवरी जो बॉय है वो घर घर जाकर के दारू पहुंचाएंगे, लोगों के घर में सुलभ सुविधा उपलब्ध कराएंगे। इसका मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ में अब लोगों को दारू पीने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और उनके घरों में पहुंचा करके विक्रय उनका ज्यादा से ज्यादा हो सके, तो दारू पीने वालों की संख्या में वृद्धि हो, इसके लिए अब उनके घर पहुंच सेवा शुरू हो गई है। कुछ दिन पहले तक इस प्रकार की जब बातें आई कि सरकार के द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था करने जा रही है तो कुछ लोगों के ऊपर FIR कराया गया, और जो बातें कही गई है आज वो साबित हो गया इस आदेश से कि सरकार घर पहुंच सेवा शुरू कर दे। ये घोर आपत्तिजनक विषय है, इसलिए इसको तत्काल संशोधित करना चाहिए और डिलीवरी बॉय के आदेश को वापस लेना चाहिए। इसके पहले जो सरकारी दुकान में कई अनियमितताएं पाई गई उसमें 1 नंबर 2 नंबर शराब की बात भी आई थी, विधानसभा में उसका जवाब दिया गया, स्वीकार किया गया। और यदि डिलीवरी बॉय के द्वारा जब दारू दी जाएगी तो 1 नंबर की दारू होगी कि 2 नंबर की दारू होगी, फिर उसमें पैसा छत्तीसगढ़ सरकार के खजाने में आएगा कि अन्य के जेब में पैसा जाएगा। जब दुकान में इसकी कोई गारंटी और सिक्योरिटी नहीं है तो डिलीवरी बॉय की उसमें क्या गारंटी और सिक्योरिटी होगी। और इसलिए जो सरकार ये कह रहे थे कि हम दारू को क्रमशः बंद करेंगे, वो बंद करने वाली जो सरकार है उनके कथनी और करनी का अंतर दिखाई दे रहा है कि आज वो घर पहुंच सेवा के लिए जो तैयारी किए हैं निश्चित रूप से ये कृत्य उनका ठीक नहीं है। इस आदेश को तत्काल उनको वापस लेना चाहिए और वापस लेकर के उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है, संशोधन तत्काल करना चाहिए। इसी के साथ ही साथ में जिस प्रकार से अभी लॉकडाउन में बहुत सारे लोग इस बीच में दारू पीना बंद कर दिए हैं और बंद करने के बाद में कि अब लोगों की आदत छूट गई है, मुझे लगता है कि यदि सरकार दारू बंद करना यदि चाहते हैं तो निश्चित रूप से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म शताब्दी समारोह भी चल रहा है, लॉकडाउन में लोग वैसे ही पीना छोड़ दिए हैं, यह सबसे अच्छा अवसर होगा कि उपयुक्त अवसर होगा कि इसी अवसर पर सरकार चाहे तो अपने चुनावी घोषणा पत्र को संपूर्ण शराबबंदी करके उस घोषणा पत्र को पूरा भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी लोगों के छूटा हुआ है और छूटने के बाद में कोई बहुत दिक्कत नहीं आएगी तो बहुत ही उपयुक्त समय है निर्णय लेने का। यदि सरकार चाहे तो निश्चित रूप से निर्णय ले, और यदि वो निर्णय करेंगे तो हम उसका स्वागत करेंगे।